हेलो गाइस, तो बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ। मेरे को मालूम है इस चैनल के ऊपर बहुत देर के बाद कुछ वन मंथ हो गया रहेगा। तो आज हम मनाने वाले हैं दिवाली के ऊपर ड्राइंग, और हैप्पी दिवाली सभी को। तो पहले हम लोग को मार्किंग कर लेना है, ग्रिड बना लेना है, और रेफरेंस फ़ोटो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, A to Z सब मिल जाएगा जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं बता भी दूंगा इस वीडियो में। तो फिर पहले मैं ग्रिड बना चुका हूँ, और ग्रिड का टोटल कंप्लीट हो गया 3 सेंटीमीटर। मैंने आपको बनाना सिखाया है बहुत वीडियो, अगर आपने मेरे देखे रहेंगे तो उसको सब वीडियो में बताया हूँ, तो इस वीडियो में शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 सेंटीमीटर का हर एक जगह से कर लेना है, ऊपर से 7, नीचे से 10। ओके, कर लेने के बाद आप लोगों को बनाना स्टार्ट करने का है, तो मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखते जाओ, हैप्पी दिवाली। तो गाइज, मैंने अभी नंबर लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए पूरा। ओके, जो लेफ्ट साइड में है उधर से लेकर 1 to 10 है, और जो अपर साइड में है वो है 1 to 7। तो मैं पहले 1 to 10 कर ले रहा हूँ, बाद में ऊपर 1 to 7 तक कर लूँगा। तो अभी हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, और मैं टाइम लैप्स करने वाला हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ओके, क्योंकि बहुत बड़ा ड्राइंग है ये, तो 25 मिनट्स का है, तो भी मतलब बहुत कम टाइम आपको देखने को मिलेगा, पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इसके लिए। तो देखो, गाना सुनते सुनते हैप्पी दिवाली। Thank you.
हम लोग का अभी आउटलाइन ड्रॉ हो चुका है पूरी तरीके से, आप देख सकते हो। तो अभी आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग को इसको इरेज कर देने का है। बाद में हम लोग आप इसे टाइम लैप्स ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, उस शेड के हिसाब से आप लोग पहचान जाना। अगर आप ड्राइंग बना रहे रहोगे तो आपको उतना आ रहा रहेगा, उस शेड के हिसाब से पहचान जाना, नहीं तो कलर दिख जाएगा आपको, उसमें आप वही कलर कर देना। और मैं मटेरियल भी बता दूंगा। ओके, तो हम लोग इरेज कर ले रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग इसको टोटल तरीके से, अभी हम लोग बाहर का आउटलाइन सीधा ड्रॉ मतलब वो है। तो अभी मैं एक मार्कर ले लिया हूँ, तो उससे हम लोग इसको कलर करना स्टार्ट करेंगे, मतलब आउटलाइन के ऊपर चलाएंगे हम लोग इसको। तो ये भी टाइम लैप्स शूटिंग ही होगा। ओ शिट, आपको एक चीज़ बताऊँ तो मेरा ढक्कन उड़ के कहाँ गया, वो देखो इतना दूर चला गया। चलो गैस स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मैं आप ही से ढक्कन लगा देता हूँ उतना, नहीं तो ये आप ही से उड़ के कहीं चले जाएगा। उस टाइम पे तो मैं ही उड़ा था, दिवाली का पटाखा कितना जल रहा था। तो हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका हो गया है। होने के बाद हम लोग इसको अभी इरेज मार देंगे, जो भी आउटलाइन इसका अभी भी दिख रहा है, क्योंकि वो रफ तो होने वाला है नहीं, मतलब रफ होने वाला नहीं है। जो मार्कर से ऊपर आउटलाइन ड्रॉ किया है, इसके लिए हम लोग अभी इसको इरेज मार देंगे। तो
तो मैं यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ वो सब बता ले रहा हूँ कलरिंग के लिए। मैं सबसे पहले लिटिल आर्टिस्ट का ब्रश पेन यूज़ करूँगा, जिसमें इसका एक ये खासियत है क्योंकि मैं कैमलिन वैमलिन का इसलिए नहीं लेता क्योंकि इसमें एक लॉन्ग निब, मतलब बड़ा थिक निब भी मिल जाता है, एक स्मॉल निब भी मिल जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा लेने के लिए। तो आप लोग भी ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को। तो मैंने दो सॉफ्टलेट बना दी क्योंकि एक सॉफ्टलेट में अच्छा नहीं दिखता था, इसके लिए मेरे को दो बनाना पड़ गया, दो में बहुत अच्छे थे। तो फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ऑयल पेस्टर का 50 शेड्स का मटेरियल। बाद में यूज़ कर रहा हूँ ऑयल पेस्टर का 15 शेड्स। तो अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। और मैं यहाँ पे टिश्यू भी यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ओके प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेन है गाइस। तो मैं ऑयल पेस्टर का लगभग सब मटेरियल यूज़ करूँगा, जूनियर भी सब 15 शेड्स भी। बाद में मैं यूज़ करने वाला हूँ स्टेडलर का पेन पेंसिल कलरफुल 50 शेड्स का, तो ये भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऑर्डर करके मंगा लेना। नहीं तो आप लोगों का नॉर्मल सेविंग भी हो सकता है, डॉम्स का ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। और मैं लूँगा ये कॉटन बड ब्लेंडिंग के लिए। और हम लोग अभी बनाना शुरू करते हैं, मैं फिक्स कर लूँ कैमरा।
तो अभी हम लोग क्राउन ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, पूरा मतलब क्राउन जो भी गोल्डन कलर का रहेगा वो सब हम लोग ड्रॉ करेंगे अभी, लाइक अ ज्वेलरी। पहले हम लोग क्राउन ड्रॉ करेंगे, बाद में सब ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्राउन में ज़्यादा फोकस जाता है। तो मैं इसके लिए ये 4 शीट्स का इस्तेमाल करूँगा इसको करने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग जो साड़ी है उसका हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, क्लोथ का। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट। करके हो चुका है, बाद में आपको ले लेना है एक चारकोल पेंसिल कैमलिन का सॉफ्ट, और इसके ऊपर ड्रॉ करना है शेडिंग के हिसाब से। होने के बाद हम लोग जो बचे कुछ स्कीम्स कलर हैं वो हम लोग करने वाले हैं, और रेफरेंस फ़ोटो मैं पहले ही बोला हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करके फिर देखना और करना, तो आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आपको करने में भी थोड़ा मज़ा आएगा। और ये तो सिर्फ आइडिया है कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, तो देखो। अभी मैं करूँगा हार जो है गले का, तो स्टार्ट। तो गाइस ये हम लोग का बन चुका है, तो आप देख सकते हो कितना सारा मटेरियल इसके अंदर लगा है, बहुत सारा लगा है मटेरियल यार। तो इतने सारे के बाद हम लोग का ये ड्राइंग बन चुका है, तो देखो। और हैप्पी दिवाली, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बहुत मैंने क्यों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा,
प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब।